25 फरवरी को बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद किया। इस महारैली में महागठबंधन के सभी सातों घटक दल शामिल हुए। मंच पर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक गरजे। बाकी दलों के नेताओं ने भी बीजेपी को जमकर सुनाया। इतना ही नहीं, इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने भी बीजेपी पर जोरदार हमला किया। लेकिन इस रैली सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने तो बीजेपी को खूब सुनाया। इसके पहले हम अपने चैनल में नीतीश कुमार, लालू यादव, ललन सिंह की प्रमुख बातों को सुना चुके हैं। आज हम दीपंकर भट्टाचार्य की 5 प्रमुख बातों को सुनाएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बीजेपी को तो दो टुक सुना दिया कि ये सब बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल वे बीजेपी को सुना रहे थे, साथ ही उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश में कोई सुरक्षित नहीं है, वही हर चीज बिक रही है। अडानी और अंबानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सब चीज गिरवी रख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं सहेगा, बिहार ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर सुनिए कि 25 फरवरी को आयोजित महागठबंधन की रैली में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं। पता चला कि आज कुछ लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती को अचानक याद करने लगे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक तरफ गांधी के किसान आंदोलन और साथ साथ सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन, बिहार ने आजादी के आंदोलन के दौर में जमींदारी के खिलाफ झंडा बुलंद किया और आज जो लोग खेती पर कॉरपोरेट जमींदारी थोपना चाहते हैं, अदानी अंबानी की जागीरदारी थोपना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ बिहार में आकर के सहजानंद सरस्वती की नाम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताने के लिए हैं कि सहजानंद की पूरी विरासत बिहार के किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, खेत मजदूरों के साथ है, इस पूरे सीमांचल में सिकमी बटाईदारी को लेकर के लड़ने वाले लोगों के साथ है और इसीलिए ये विरासत सुरक्षित है। इसको लेकर के लूटने की कोई कोशिश करेंगे, हमारे इतिहास को अगर झुठलाने की कोई कोशिश करेंगे, बिहार कतई उसको सफल नहीं होने देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि माले के लोग मंत्री पद के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं। दरअसल बिहार की सत्ता पर महागठबंधन के लोग काबिज हैं। महागठबंधन के घटक दलों में वाम दल के 3 संगठन शामिल हैं, लेकिन वाम दलों के विधायक कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। इसे लेकर उन्होंने साफ कहा कि वाम दलों के लोग मंत्री पद के लिए नहीं लड़ते हैं, हम लोग गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के अधिकार के लिए हम लोग हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। आइए सुनते हैं कि दीपंकर भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं गरीबों के लिए। माले के लोग मंत्री पद को लेकर के नहीं लड़ेंगे, माले के लोग लड़ेंगे तो हमेशा हमेशा जनता के अधिकार के सवाल पर लड़ेंगे, चाहे वो बटाईदारों का सवाल हो, गरीब का सवाल हो, न्याय का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो। तो हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि बिहार के महागठबंधन में बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ऊर्जा, बिहार के गरीबों के आंदोलन का पूरी विरासत, बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ताकत, इसके साथ महागठबंधन है और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि ये महागठबंधन का विस्तार हो। बिल्कुल आज इस बात की जरूरत है। हम नहीं समझते कि आज के दौर में किसी छोटे मुद्दे पर बात करनी चाहिए, बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। मंच पर बैठे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी की तरह दीपंकर भट्टाचार्य ने भी लोकतंत्र की आवाज को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार की वजह से आज लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। जब देश आजाद हुआ था और संविधान लिखा जा रहा था, तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कह दिया था कि भक्ति सही है, धर्म भी सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश से लोकतंत्र को बीजेपी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। यहाँ पर सुनिए कि दीपंकर भट्टाचार्य लोकतंत्र और बाबा साहेब को लेकर क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल जीतन राम मांझी जी बता रहे थे, संविधान खतरे में है। संविधान जिस समय पारित हो रहा था
उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये चेतावनी दी थी कि एक भक्ति है ये धर्म के बाद वो मोक्ष के लिए ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर हम भक्त बन जाएंगे, अंध भक्त बन जाएंगे, किसी नेता के चेले बन जाएंगे तो तानाशाही को दावत देंगे। आज वो तानाशाही आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में जो हिंदुस्तान हमारी विविधता विशालता के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, क्योंकि इतनी सारी सभ्यता, इतनी सारी भाषा, इतनी बोली, इतने खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, ये जो हमारा शानदार गंगा जमुनी तहजीब है, इसको तोड़ करके अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी कोई आफत नहीं हो सकती। और बाबा साहब ने उस समय 1949 में हमें चेतावनी दी थी। आज वो खतरा हमारे सामने है, और इसीलिए जब इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है तो हमारा काम बनता है, फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ उसी तरह से, उसी समर्पण, उसी एकता, उसी ताकत के साथ लड़े जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से गांधी से लेकर भगत सिंह तक पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, हमें पता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने गुजरात मॉडल को लेकर भी बीजेपी को खूब सुनाया और कहा कि इसकी बुनियाद ही लूट और झूठ पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो की रेप के बाद हत्या हो गई, अपराधी छूट गए, जेल से निकलने के बाद सभी आरोपियों का बीजेपी के लोगों ने नायक की तरह स्वागत किया। उन्होंने काफी गुस्से में कहा कि बिल्किस बानो के हत्यारे बीजेपी के लिए भले ही नायक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के वे नायक नहीं हो सकते। सुनिए किस तरह दीपंकर भट्टाचार्य गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी को क्या क्या सुना रहे हैं। उस मंच से सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि इस गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, गुजरात मॉडल देश को कमजोर कर रहा है, और इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ अब वक्त आ गया है कि बिहार का जो मॉडल है वो देश में आगे बढ़े। ये क्या है गुजरात मॉडल? फरवरी का महीना है, हमें याद है कि 2002 के फरवरी में गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात मॉडल के बुनियाद में है जनसंहार, और अभी इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद दिलाई कि जनसंहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त के दिन जब पूरे हिंदुस्तान में हम आजादी के 75 साल मना रहे थे, उस समय हमने देखा कि बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और उनको नायक की तरह पेश किया गया माला पहना करके, तो जनसंहार और बलात्कार के अपराधी भाजपा के लिए नायक हो सकते हैं, हमारे लिए शुद्ध रूप से अपराधी है, और गुजरात मॉडल इस अपराध पर खड़ा है। गुजरात मॉडल नफरत पर खड़ा है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। उन्होंने कहा कि देश को गुजरात मॉडल नहीं बल्कि बिहार मॉडल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साजिश को उजागर कर दिया, इसके लिए हमारी पार्टी ने नीतीश कुमार संग तेजस्वी यादव को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश को बिहार ने एक मजबूत भरोसा दिया है। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन से लोगों में ये विश्वास भी जगा है कि बीजेपी के साजिश को पीछे धकेला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन का जो मॉडल बना है, आज देश के स्तर पर उसकी जरूरत महसूस हो रही है। पूरे देश को बिहार मॉडल को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी कई बार नरसंहार हुए, लेकिन बिहार ने इस मॉडल को कभी नहीं स्वीकारा। अब सुनिए सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य बिहार मॉडल को लेकर क्या बोल रहे हैं। इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ हम बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। जनसंहार बिहार में भी कम नहीं हुए, दंगा बिहार में भी कम नहीं हुए, चाहे भागलपुर का दंगा हो, बेलची का, बाथे का, बथानी टोला का जनसंहार हो, लेकिन बिहार ने कभी दंगा को और जनसंहार को मॉडल नहीं माना है, उसको मॉडल नहीं बनाया। जिन लोगों ने भी उसको मॉडल बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की, बिहार ने खारिज किया। बिहार ने जन आंदोलन का मॉडल माना और जन आंदोलन के आधार पर बिहार का मॉडल बना है।
तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, और आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।